क्या लड़की? हेलो हाय, विवेक, आई एम सॉरी, मैं आपको जानती आई लाइक योर पर्सनालिटी। आज तक मैंने अपने लाइफ में इतनी सुंदर लड़की नहीं देखी। मैं स्ट्रेंजर से बात नहीं करती, कोई बात नहीं, मैं माना मैं स्ट्रेंजर हूँ, लेकिन आप बहुत खूबसूरत हैं। थैंक यू। पहली बार मैं आपको देख के अट्रैक्ट हो गया। ओह माय गॉड, कहाँ से हो आप ऐसे? मैं मुंबई से। अच्छा, आप मुंबई से हो? हाँ जी। आप बेहद खूबसूरत हो यार। नाम क्या आपका? हर्षिता। पूरा नाम बताइए आप। हर्षिता गिंद्रा। विवेक बिंद्रा की कोई रिलेटिव तो नहीं है? नहीं। कैन आई गिव यू नंबर? अब हमें अच्छे लग रहे हो यार। यहाँ पे कैसे, इतनी ठंडी में आप ऐसे ही घूम रहे हो? और नहीं, यहाँ पे मेरा पेजेंट है, तो उसके रिलेटेड ही मैं मुंबई से नोएडा आई हूँ। मेरा एक फ्रेंड का फोन था, उसके लिए मैं बाहर रही थी। मेरे पास एक जॉब ऑफर है, करेंगी आप जॉब? इफ यू इंटरेस्टेड, लाइक आई लाइक टू हियर अबाउट इट। आप मुझे पसंद आ गई हैं यार। हमारी जिद समझिए, हमारी मोहब्बत समझिए। पहली बार लड़की मैंने लाइफ में कोई ऐसी लड़की देखी जिसे देख करके मैं ना क्या बताऊँ, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। आप बहुत जबरदस्त लग रहे हो यार। थैंक यू। बढ़िया। आप गूगल में जॉब करना चाहेंगे? गूगल पे? या गूगल? या आई वुड। डू यू नो गूगल, इट्स अ बिग प्लेटफॉर्म। या आई डू। नो, आई वुड लव टू बिकॉज़ ऑफ। आप कौन, आप क्या करते हो, आप क्या जॉब मुझे ऑफर कर रहे हो? अच्छा, मैं कौन हूँ और मैं क्या करता हूँ, ये आप जानना चाहते हो? अब जहाँ पर आई है ना, वहाँ का मैं ओनर हूँ। ये होटल के? या। ओह माय गॉड, यहाँ का मैं ओनर हूँ। अब यहाँ के ओनर हो रेड कार्पेट के, एंड मुझे आप गूगल पे जॉब ऑफर कर रहे हो? एक्चुअली आई एम वर्किंग इन गूगल। ये तो मेरी, ये मेरा बिजनेस है, पार्ट टाइम बिजनेस। बहुत सारी मेरी प्रॉपर्टी है, नोएडा में भी हैं, दिल्ली में भी हैं, गोवा में भी हैं, मलेशिया में भी हैं, आउट ऑफ इंडिया भी, और मैं आपको ऑफर करता हूँ जॉब। आई वुड लव टू टेक दिस जॉब बिकॉज़ मैं दिल से चाहूंगी ये जॉब करना। करना चाहेंगी? बॉयफ्रेंड है आपका? नहीं है ना। आप हमें पसंद है, दिल यू बी माई गर्लफ्रेंड? मैं डायरेक्टली बोलो, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, टू बी ऑनेस्ट दिल की बात बोल रहा हूँ। मैं आपको जानती भी नहीं। देखिए, जान पहचान मैटर नहीं करता ना, आपकी आईज जो है ना मुझसे कनेक्ट हो रही है ना, इसको बोलते हैं माइक्रोसॉफ्ट और इसको बोलते हैं गूगल, और जो मेरा स्कैनर है वो बहुत तगड़ा है। ओह माय गॉड, डू यू नो माइक्रोसॉफ्ट? या आई डू। सत्यम नडेला? क्या सत्यम नडेला? नो नो। विल यू बी माय गर्लफ्रेंड? रियली, दिल से बोल रहा हूँ, सोच समझ के जवाब दीजिएगा, वरना मैं यहाँ से चला जाऊंगा। मैं वहां पे मैंने आपको देखा जब थी अंदर ना, तो मैंने आपको देखा, तो मैंने कहा जैसे ही लड़की बाहर जाएगी सी मैं आपको पकड़ लूंगा। मैं आपको जानती ही नहीं। वैसे आप क्या करती हैं? मैं पढ़ाई। पढ़ाई में क्या? SYBA। अरे बढ़िया, फिर तो यार, फिर तो मैं आपको बहुत सारा ऑफर दे सकता हूँ। लेकिन आपने मुंबई में एक चीज सुना होगा कि किस्मत बदल जाती है लोगों की। बहुत बार सुना है, तो सोच लीजिए वो मैं ही हूँ। किस्मत का भरोसा तो नहीं, लेकिन आपकी जिंदगी बदल दूंगा, ये मेरा वादा है आपसे। फिर भी आपको जानती हूँ। देखिए, जान पहचान के लिए मेरा नाम विवेक है, और आपने क्या बताया अपना नाम? हर्षिता। एक्चुअल में मेरे पास इतना सारा बिजनेस है, लॉट्स ऑफ बिजनेस। आप सोचो नाम कैसे पॉसिबल है कि याद रख पाना हर एक लड़की का? ओह माय गॉड, मतलब दोस्त होती हैं लड़कियां, इससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन मैं आपको पहली बार देखा और मुझे लगा कि मुझे आपको गर्लफ्रेंड के लिए अप्रोच करना चाहिए। ओके, तो आप मुझे अपना नंबर दीजिए, देन बॉयफ्रेंड है तो नहीं अभी, क्लियर बता दीजिएगा। नहीं नहीं, वरना मेरी मोहब्बत ही हिमाकत में भी बदल जाती है, सच बताइएगा। आपकी हिंदी बड़ी अच्छी है। आप कहाँ से हैं? प्रॉपर मुंबई से ही हैं क्या? प्रॉपर मुंबई से। इसीलिए आपकी मराठी अच्छी होगी। काइंड ऑफ नोटिफिकेशन व्हाट्सएप 2 मिनट्स अगो। आपको मुझे अंदर नोटिस कैसे किया? आप वहाँ पे बैठी थी ना, वहाँ चल रही थी ना, आप जा रही थी ना उधर से खाते हुए, और पीछे ही मैं बैठा हुआ था और मैंने आपको नोटिस कर लिया। अब ऐसे चलते फिरते हर लड़की को अप्रोच करते हो? वैसे मैं वहाँ का चीफ गेस्ट भी हूँ। आप ओनर हो तो ओके। तो ओनर हूँ इसका मतलब, तभी तो मैं वहाँ नहीं बोल सकता था, आपको ना प्रॉब्लम थी। यहाँ बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे बोलने में प्रॉब्लम नहीं है, बट गर्लफ्रेंड बनाने में भी प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, लेकिन ऐसा फिर अंदर आप बताओगे सबको? आपको लगता है मैं अंदर से एक्सप्लेन करूंगा कि लाइक एक लड़की थी मुझे पसंद थी जिसको मैंने डायरेक्टली अप्रोच कर दिया, जिसके ऊपर आग आ गई एंड ऑल? अब बहुत हॉट हो, आपको ठंडी नहीं लग रही है? बहुत। तो फिर ऐसे क्यों घूम रहे हो? आपको जैकेट वैकेट लेके घूमना चाहिए ना। मैं रह गया, मैं आपको वही बता रही हूँ, फोन करके नहीं बाहर आई, और आप जैसे महाशय ने मुझे ऐसा हिंदी, देखिए देखिए हिंदी आपकी भी अच्छी होती है ना, मेरे साथ आपकी भी हिंदी तो इम्प्रूव हो रही है ना।
आप नतीजा देख ही रहे हो, आप ही को सिखा रहे हो मुझे ये सब। किसी ने खूब कहा है ना, अगर ऐसी लड़की हो तो किसको मोहब्बत नहीं हो जाएगी। मैं आपकी आंखों की तारीफ करना चाहता हूँ और मैं आपकी आंखों में आंखें डाल के सच बोलना चाहता हूँ, आई लव यू। सच बोल रहा हूँ यार। बट मैं आपको जानती नहीं हूँ तो। अब ये बात तो छोड़िए, आप ये बात छोड़िए, आप फाइनली मेरी गर्लफ्रेंड हो या ना? जानती भी नहीं हूँ। आपके सामने वहाँ से चल के सीधा गूगल आया हुआ है, अगर आप रिजेक्शन दोगे तो सोच समझ के देना, क्योंकि दोबारा ये चांस नहीं मिलने वाला है, किस्मत एक ही बार बदलती है। तो आप डिसीजन कर लीजिए, मुझ पे नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ना तो नहीं, ऐसा अपॉर्चुनिटी को ना नहीं बोलते, बट मैं आपको जानना पसंद करूंगी, फिर शायद कुछ हो सके। मतलब इनडायरेक्टली आप मुझे हाँ भी कह रही हैं और मुझे आप जानना भी पसंद करेंगी। जी। तो जानने के लिए हम एक डेट फिक्स करते हैं शाम को। अभी आप फ्री कब होंगी? शाम को टाइम 6 बजे के बाद, जब आप बोले। 6 बजे के आप जब बोले, ठीक है। अब 9 बजे थोड़ा सा मुझे कहीं जाना है, 9 बजे मैं डन करता हूँ। okay. और आज हम पूरा दिल्ली आपको घुमाते हैं। मजा आने वाला है। हाँ सच में। आइसक्रीम पसंद है आपको? बहुत। वनीला फ्लेवर? मस्त है। अगेन मैं बोल रहा हूँ, बॉयफ्रेंड तो नहीं है? नहीं। झूठ बोलने की हिमाकत मत करिएगा। नहीं हाँ सो। आपने नवाबों की नगरी सुनी है? हाँ जी। नहीं। लखनऊ सुना है आपने? लखनऊ हाँ। वो नवाबों की नगरी है। और मैं उस नगरी का बिजनेस टाइकून हूँ। अब वहाँ से ओरिजिनली बिजनेस टाइकून है आपका, यहाँ होटल है, बहुत जगह पे मेरा बिजनेस है। इट्स गोइंग टू बी फन, आपके साथ काम करने में बहुत मजा आएगा। काम करने में नहीं, मोहब्बत करने में मजा आएगा। और मोहब्बत को काम का नाम नहीं दिया जाता। मैं इस रिश्ते को बदनाम नहीं करना चाहता हूँ, मैं जो भी है मैं दिल के साथ बोलना चाहता हूँ। ओके तो आज रात को 9 बजे डन है? श्योर है ना? हाँ जी। मतलब हमारी बन सकती है लाइफ। हाँ मुंबई में किस जगह रहते हो आप? मुंबई में मरीन लाइन आपको पता रहेगा। अरे वो तो यार काफी एक्सपेंसिव जगह है यार। क्या ही बोल सकते हैं। मैं आपका नंबर सेव कर लेता हूँ हर्षिता के नाम से। okay. और मैं आपको रात में 8:30 बजे तक मैं अपना असिस्टेंट भेज दूंगा आपके लिए। ये थोड़ा टिपिकल है। आप फाइनली पहले बताइए मेरी गर्लफ्रेंड है या नहीं? सोच के बताऊंगी। नहीं वो टाइम नहीं है मेरे पास। देखो अगर चल के गूगल आया तो सोचना नहीं चाहिए। पर गूगल कैसा है वो जानना चाहिए कि नहीं? गूगल को दुनिया जानती है, एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, बनी बनाई कंपनी है। आप इंसान हो, वो वेबसाइट है, बड़ा फर्क होता है। बनाया तो मैंने ही है ना, वो अलग बात। डिनर तक रखूं या अभी ही हाँ बोल दूं? देखिए कहते हैं ना मेरा जो एक्साइटमेंट लेवल है ना वो पागलपन तक चलता जा रहा है। पागलपन तक चलता जा रहा है तो आई थिंक आप मुझे तो अभी ही आपका हाँ बोल देना चाहिए। एग्जैक्ट। थोड़ा कफरी भाई है ना, आप बताइए। ओके एक्साइटमेंट लेवल इतना है तो आई थिंक मुझे आपका अभी ही हाँ बोल देना चाहिए। तो विल यू बी माय गर्लफ्रेंड? यस। आपकी आंखें बहुत खूबसूरत है, मैं आपको बहुत महसूस करना चाहता हूं और आपकी आंखों में डूबना चाहता हूं। आपका जो हुस्न है ना मैं इसकी कदर करना चाहता हूं। आपकी शायरी बहुत अच्छी। मैं आपको खरीदना नहीं, मैं आपसे प्यार करना चाहता हूँ। तो हमें ये मोहब्बत मंजूर है? कबूल है। कबूल। मैं आपसे एक बात बोलूँ? बोलिए। वहाँ पे कैमरा लगा है और मैं आपसे बस मजाक कर रहा था। आप कर दिया। अब बहुत खूबसूरत, आपको बहुत सारे लड़के मिल जाएंगे यार, मुझसे बेहतर मिल जाएंगे। दिल तोड़ दिया ना। कोई बात नहीं, अभी फ्रेंड्स 9 बजे हम डिसाइड करेंगे। गाइस अब इधर ये करीब ना, सच बताऊँ ना ये देखिए कितनी हॉट है, इनको देख के किसको प्यार नहीं हो जाएगा यार। लेकिन आपको थोड़ा टाइम लेना चाहिए था हाँ बोलने में, है ना? मैंने बहुत जल्दी आपका हाँ बोल दिया। आपको अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। तब तक हम कुछ खाते पीते हैं, चलो लाइक से बातचीत करते हैं। मैं पसंद तो हूँ ना आपको, आ जाइए फिर, ये मोहब्बत हमें आप पकड़ तो सकती है। वैसे छोड़ दीजिए, लोग क्या कहेंगे यार।